कि आज हम इस वक्त हैं हमनाबाद शहर में। जाए थी दीवार पूरी गिरी, टीना भी गिरे। मैं बहुत परेशान से 4 दिन से भटक रहा हूँ। मैं बच्चा हूँ, को दिन जाना किधर सो ना, बिल्कुल तकलीफ में हूँ मैं। आता है एमएलए साहब श्री राजशेखर भी पाटिल साहब थी, ये पूरा पानी मेरे घर में आता है सर। ये गलीस पानी, ये नाली का जो पानी है ना, वो पूरा मेरे घर पे आता है अंदर। तो मैं पानी पूरा ढिकलता हूँ मेरे हाथ से या बकेट से लेके के बाहर फेंकता हूँ सब मैं पानी। मतलब नहीं, खाली वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे तो क्या चलता है इधर। उनके पास जो है 100 रुपये भी नहीं निकलते घर बनाने के वास्ते। वो कुछ नहीं होना मेरे को, घर होना बस, घर की मेरे को रहने का घर होना, मेरे को रहने रहने। एमएलए साहब से आपको घर को मिल को जाओ, मेरे को मेरा घर पड़े देखो, आपको जरा मदद करो मेरे को बस। मेरा ये दीवार गिरी, ये दीवार गिरी पीछे का, ये पलंग है। इतना अफसोस हो रहा है कि क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाले नहीं, एक छोटा सा पान डब्बा है। और ये यही चाह रहे कि हमनाबाद एमएलए मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब आके यहाँ पे विजिट करें, विजिट कर कर उन्हें कुछ मदद करें। तो क्या हो गया अभी यहाँ पर आपके, कितने दिन पहले हो गया हादसा? 3 दिन हुआ, पानी खूब पड़ा। अब 1 महीने भर से तो भाई जमीन में से आ रहा था पानी, आपको भीग 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 को पूरा जरा जरा गिरते पूरा गिर को गया। गिर को जाने के बाद उसके बाद टीना भी गिरे, बच्चों को सुलाना जाए थे, दीवार पूरी गिरी, टीना भी गिरे। हाँ वो रूम में थे आप? हाँ हाँ वो रूम में थे, बच्चों को लेकर बैठे थे। यहाँ तो पानी आता था, वहाँ जरा सूखा था, वहाँ जाते थे हम बच्चे सब जिन्हें बैठते पलंग को, ऐसा बैठना वहाँ पानी आए ऐसा भीगे पानी डबरा ठहरे बिल्कुल, वहाँ जाकर ठहरे थे। पर टीना गिरे हुआ, टीना गिरते साथ ही और इन हमारे वो किराएदार आको इन आको निकलो निकलो निकलो, पूरा घर गिरा बोल को बुला लेके तो खींच लेगा। तो गए हम बच्चे को लेकर गई में चले गई। अब दूसरे सब जिन्हें आको गली के महल के पूरे जिन्हें आको पूरा घर ये करके रखे, पूरा सामान निकाले घर से। अरे परेशान, हाँ हेल्प करे ले जाए और उनके घर में बाजू घर में ले जाको, सो गए बच्चों को लेकर, ना सोनी जगह ना खानी जगह, उतनी परेशान सी है घर के अंदर। ना आदमी कमाई का है, आदमी तो पूरे को एक बच्चे को पालना उसको पालना बेकार है, वत्ता है मेरे को, वत्ती तकलीफ है। मेरे को कुछ नहीं होना, मेरे को घर होना बस, घर की मेरे को रहने का घर होना, मेरे को रहने रहने। एमएलए साहब से आपको घर को मिल को जाओ, मेरे को मेरा घर पड़े देखो, आपको जरा मदद करो मेरे को बस, मेरे वास्ते। मैं गरीब नहीं हूँ, कर को खाने वाली हूँ मैं हाथ पर बच्चों को पाल रूँ, मर्द को पाल रूँ। मेरी तो मजबूरी बहुत है, देखो मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरे को भाई के जैसा मदद करो, भान के जैसा। मैं बहुत परेशान से 4 दिन से भटक रहा हूँ, मैं बच्चा हूँ, लेकिन दिन जाना किधर सो ना, बिल्कुल तकलीफ में हूँ मैं। सोच सोच को मैं ये हमारा चक्कर आ रही, देखो अब ये हमारे गाँव। अब हमारे एमएलए साहब से एक ही रिक्वायरमेंट है, गुजारिश भी है कि अभी जब भी स्लम बोर्ड की कोई रिक्वायरमेंट आएंगी तो हमारा एरिया जो कोलीवाड़ा है स्लम बोर्ड के अंडर में आता, कर्नाटक स्लम बोर्ड में। इससे पहले 2017-18 में जेरपेट में कुछ घर सेंक्शन हो गए थे, वो ऐसे लोगों के घर सेंक्शन हो गए थे जिसमें ऑलरेडी वो लोग बीपीएल कार्ड के होल्डर नहीं थे, वो अबव पॉवर्टी लाइन थे। वो फेक कार्ड बना के करके उसका मिसयूज़ करके वो घर स्लम बोर्ड का जो भी बेनिफिट था वो लिए। अब ऐसे लोगों के पास कोई आके देखने के तक तैयार नहीं है, हालांकि ये बीपीएल कार्ड होल्डर है और स्लम बोर्ड के अंडर में इनका घर आता है। हमारी एक गुजारिश है एमएलए साहब से, वो आएँ आके यहाँ देखें, और स्लम बोर्ड में जब भी कोई रिक्वायरमेंट आएंगी या कोई म्यूनसिपल, अभी हमको पता चला 15 फाइनेंस का म्यूनसिपल में बजट है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बजट है, उस बजट को कहीं रिप्लेस करके कुछ उसमें अगर जो कुछ जुगाड़ करते हैं वो, तो यहाँ पे उनको घर बना के 1-2.5 लाख रुपए भी अगर उनको देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा उनका अच्छा घर बनता है। फिर उसके बाद हम अपने महल वाले कुछ जिससे जितना हो सके उतनी मदद करके हम उसको पूरा कम्प्लीट करेंगे। सर ये है हमारे भाई का घर, ये रात के 11 बजे जो है ना गिर गया। ये इनके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, और हमारे भाई जो है ना छोटा सा पान का डब्बा है उनका, वो पान के डब्बे में जो है कभी बैठे कभी नहीं बैठे ऐसा करते हैं उन्हों। और घर में जो है ना बहुत एकदम टाइट है, राशन के चावल लाते हैं, राशन के चावल खाते हैं। और अब ऐसा मसला हुआ तो उनको उनके पास जो है ना 100 रुपये भी नहीं निकलते घर बनाने के वास्ते, बहुत हालत इनकी टाइट है। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हमको जो है ना गवर्नमेंट से जो भी इनका बनता है उतना हो गया तो बस लो। अभी ये हमारे गांव की खुशकिस्मती है कि अभी जो प्रेजेंट एमएलए हैं राजशेखर पाटिल, ये माजी में मिनिस्टर भी रह चुके हैं कर्नाटका के, तो और इन्हीं के घर में एक एमएलसी हैं, 2 एमएलसी हैं। तो अभी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर आए एक बार विजिट करें, क्योंकि 3 दिन हुआ अभी तक कोई आया नहीं, और इवन इनके पास इतना पैसा है नहीं कि ये जो टीना भी जो गिरे हैं इसको उठा के थोड़ा तो ढंग से उसको रह सकें।
अभी ये रोज़ रात में दिन में ना पकाते हैं और शाम में जाके बाजू वो जैसे आखिर के बताएं उनके घर में जाके सो रहे हैं लोग। तो हमारे उनसे उम्मीद है कि वो एक बार यहाँ पर आके विजिट करें और इमीडिएटली अगर इनको कुछ हेल्प हो सकती है, वो अपने पर्सनली हेल्प भी है कुछ हेल्प कर सकते हैं तो करें, और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन अगर वो कोई दिलाते हैं तो ये तो काफ़ी अच्छी बात होगी। भाई रात में 11 बज रहे थे तो मैं क्या मालूम है घर पे सो गया था, तो ये घर की 11 बजे घर गिरने के बाद मैं गया यहाँ पे आया घर पे तो देखा तो ये घर गिरा था पीछे से, तो मैं हम MLA साहब को भी बोले कुछ भी किसको भी बोले तो कोई भी हमारा रिस्पॉन्स नहीं ले रहे। हमारा गरीब का भी वोट उतर रहता और बड़े घर का भी वोट उतर रहता, ये घर में कोई भी नहीं कमाने वाले, जो घर वाले हैं उन बहुत माजूर है, बहुत लाचार है, मतलब कमज़ोर है उन्होंने बहुत, इसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। MLA साहब को बोले हम 2 दिन हो गए गिर के, उन्होंने अब तक आके विजिट नहीं करे, विजिट करना था उन्होंने, MLA साहब हमारे अब तक कुछ आके कुछ भी करे नहीं। नाली का पानी पूरा मेरे घर में आता है, MLA साहब और श्री राजशेखर भी पाटिल साहब पूरा ये पानी मेरे घर में आता है, मैं इसको जिस टाइम भी पानी आया ना ऊपर से तो मैं मेरे घर में पानी आता है, मैं बाहर से निकाल के पूरा पानी फेंकता हूँ साहब, मैं भीगता हूँ, मेरी तबीयत अब प्रेजेंट ही दो दिन पिछले पानी आया था मेरे को, तो फिर मेरे को बुखार आई सब ये करके ही, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ये पूरा पानी मेरे घर में आता है सर, ये गलीस पानी है, नाली का जो पानी है ना वो पूरा मेरे घर पे आता है अंदर, तो मैं पानी पूरा ढिकलता हूँ मेरे हाथ से या बकेट से लेकर के बाहर फेंकता हूँ सब मैं पानी, ये पूरा पानी मेरे घर में आता है। MLA साहब आके इधर विजिट करके देखना हम लोग को, इतना ही है और दूसरा कुछ नहीं, देख के जाना ना जी, ये पूरा देख के क्या है इसका विजिट, नाली पूरा बड़ी कर रहे हैं, पानी तो फ्लो होता ही नहीं है नाली में, ये जितना पानी है ये सिर्फ घरों का पानी जाने का है, ये पूरा बस स्टैंड पूरा सभा होटल 7 स्टार ग्रैंड स्टार ये पूरा अंबेडकर चौक से पूरा पानी इधर पूरा AP से KP तक पूरा इधर से जाता पानी पूरा, हाँ गंदा पानी है पूरा गलीस पानी, पूरा टॉयलेट का उसका होटल का मुसरा गलीस ये पूरा पानी इसमें जाता है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हमको MLA साहब इधर आके विजिट करके देखना हमको, MLA साहब किधर है कि क्या है कि मालूम नहीं, खाली वोट के टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे तो क्या चलता है इधर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय QP हॉस्पिटल एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्जिकल एंड क्रिटिकल केयर गुलबर्गा। यस महबूब ढाबा वेज एंड नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट मुंबई टू हैदराबाद रोड NH 65 हमनाबाद बाय मेहदी हसन इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजर LIC ऑफ इंडिया। नॉलेज पार्क हाई स्कूल KHB कॉलोनी नियर उमर मस्जिद बसवा कल्याण। आयुर्वेदिक ग्लैमर शैम्पू विद कंडीशनर इंडियन हेयर ऑयल एंड ऑल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल। ICG मोटर्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शोरूम अपोजिट KAB ऑफिस दुबई प्लाजा हमनाबाद।